बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है क्योंकि सर काशीराम जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, ये जो मान्यवर जो शब्द है इसको जो साहब काशीराम जी के विरोधी हैं वो वर का मतलब दूल्हे से लगाते हैं, माना हुआ दूल्हा। मतलब जो विरोधी लोग हैं वो शब्दों को कैसे तोड़ के बेइज्जती करते हैं हमारे महापुरुषों की कि वर को दूल्हा बना दिया। दरअसल वर का जो मतलब है पाली के अंदर वो श्रेष्ठ होता है, यानी जो सबसे अच्छा होता है उसको वर कहते हैं। जो पहले महिलाएं जिनको खुद अपना श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ साथी चुनने का अधिकार था हमारे समर संस्कृति में, समर संस्कृति में बुद्ध से पहले, बुद्ध के बाद अशोक के समय, तो वो स्वयं वर करती थी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ खुद चुनती थी उसको, स्वयं वर जीवन साथी। तो जो स्वयंवर बाद में शब्द पड़ा और वहीं से ये शब्द है मान्यवर, यानी जिसकी मान्यता सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे अच्छी मान्यता है, जिसको सबसे अच्छा माना गया है उसको मान्यवर कहते हैं। तो मान्यवर साहब काशीराम जी, और साहब जो शब्द है वो उर्दू का है, और काशीराम जी जो शब्द है इसमें जो काशी वर्ड है ये काशी नहीं है, काशी है। काशी का मतलब है जो सबसे पहले कासाय वस्त्र, यानी वस्त्र पहनते थे, कासाय कपड़े पहनते थे, और कासाय कपड़े पहनने वाले जो थे, जो काशी में पहने, जिन्होंने बुद्ध ने सबसे पहले पहने, यानी जो हमारे भिक्खु थे उनके चीवर को काशी शब्द बोलते थे। तो कासाय यानी काशी में रहने वाले भिक्खु, या जो काशी कपड़े पहनते हैं उनको काशी बुला करते थे, यानी भिक्खु हो गए। और राम का मतलब है जो रमण करते थे, जो धम्म में रत रहते थे, धम्म में रमण करते थे, रमते रहते थे धम्म के अंदर, और जो धम्म में हमेशा ऐसे बिहार के अंदर बहुत लोग रमते थे, राम बिहारी राम, भजन राम, हरि राम। ये राम का मतलब व्यक्तिवाचक नहीं है, जो लड़कियां, जो औरतें, जो महिलाएं रमती थी उनको रमणी बोलते थे, और जो पुरुष रमते थे उनको रमण बोलते थे। इसलिए रामायण जो शब्द है राम रमण, यानी कि जो रमता है, रमने वाला रमण, ये शब्द पाली के शब्द हैं। तो साहब काशीराम का जो पूरा नाम है मान्यवर साहब काशीराम, उसमें साहब उर्दू का है, मान्यवर पूरा पाली का है, और काशीराम पूरा पाली का है। ये वो वाले राम नहीं है जो व्यक्तिवाचक है, ये वो राम है जो रमते थे, और वो पूरे जीवन भर रम गए। रम क्या गए? भिक्खु बन गए। दरअसल भिक्खु बनने का जो पहला नियम है वो है आपको परिवाचक होना है, घर छोड़ना है। अगर आप घर नहीं छोड़ेंगे तो भिक्खु नहीं बन सकते, चाहे आपको धम्म का कितना ज्ञान है। भिक्खु बनने की पहली शर्त है परिवाचक होना। परिवाचक मतलब घूमते फिरते शांत रह के लोगों को सिखाना। ये परिवाचक अगर कोई नहीं होगा, ये परिवाचक की जो परंपरा है ये पुरानी परंपरा है बुद्ध से पहले की भी, मगर बुद्ध ने इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया और नियम बनाया कि जो व्यक्ति क्रांति करेगा, और जो व्यक्ति लोगों का भला करेगा, जो व्यक्ति लोगों को सिखाएगा, जो व्यक्ति कल्याण करेगा, जो अपना भी कल्याण करेगा, जो धम्म को सीखेगा, धम्म को फैलाएगा, और लोगों को जागृत करेगा, लोगों को जगाएगा, और जो जगन्नाथ होगा, जगन्नाथ का मतलब है जगाने वाला नाथ, जो जगन्नाथ होगा, ये साहब काशीराम जगन्नाथ हैं, बुद्ध जगन्नाथ हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जगन्नाथ हैं, पुरी में जो जगन्नाथ हैं वो बुद्ध को बोलते हैं। तो वो जो जगन्नाथ होगा उसको घर छोड़ना होगा। तो घर छोड़ा, और घर छोड़ने के साथ साथ जीवन में सांसारिक जो वस्तुएं हैं, जो फिजिकल चीजें हैं, जो प्रमाद की वस्तुएं हैं, जो अय्याशी की वस्तुएं हैं, उन्हें भी छोड़ेगा, और इसके साथ साथ जीवन के चक्र को आगे नहीं चलाएगा, फिजिकल जीवन के चक्र को, तो शादी भी नहीं करेगा, इन जीवन के चक्र में नहीं फंसेगा, जो गृहस्थी का, जो घर का, जो परिवार का चक्र है उसमें नहीं फंसेगा। तो उन्होंने शादी ना करने की भी प्रण किया, पूरी की पूरी, जो पूरे पूरे नियम आते हैं उसके अंदर, प्रतिज्ञा की उन्होंने, और ये बाकायदा लिखित में की। इसके साथ उन्होंने एक प्रण और किया कि पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे और जीवन भर संपत्ति नहीं बनाएंगे। ये भिक्खु की प्रक्रिया है, जो भिक्खु बनेगा, जो सिखाएगा, जो बुद्ध का सिपाही बनेगा, वो शादी नहीं करेगा, वो घर छोड़ेगा, और वो पैसा नहीं लेगा। इसलिए बुद्ध की समय भी कोई पैसे नहीं लेता था, जो सामान कहीं दान पुण्य मिलता था वो जमा हो जाता था एक साथ। वैसे ही साहब काशीराम ने किया कि अगर कहीं से कोई थैली आई, या कहीं किसी ने तोला या कुछ बोला, तो उनके साथ ही रहते थे, वो साथ ही संभालते थे, वो पैसा नहीं लेते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, ना कोई बैंक अकाउंट, ना ही कोई जायदादी, ना संपत्ति, सब चीज के लिए उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने व्यक्तिवाद छोड़ दिया। नाम तो नहीं अपना बदल पाए, क्योंकि अगर बुद्ध के समय तो क्या होता था कि उनके नाम भी बदल जाते थे, नाम खत्म कर देते थे बुद्ध तो,
नाम भी खत्म और भेषभूषा भी खत्म, यानी कि जो भेषभूषा होती थी वो भेषभूषा भी खत्म की जाती थी, एक ही भेषभूषा रहेगी चीवर की। मगर साहब काशीराम इतने, क्योंकि वो धम को नहीं पढ़ पाए, धम को नहीं देख पाए, शुरुआत उनकी जहां से हुई वहां से हुई, जो उन्हें हाथ में एनिलेशन कास्ट की किताब मिली और उन्होंने भिक्खू की तरह 24/7 24 घंटे पूरी जिंदगी काम करने का प्रण लिया। और मुझे वो कहानियां याद हैं जब बताते थे कि एक बार वो किसी रात को कहीं से आए और उनके पास खाना नहीं था, जिसके वो साथ में सोए हुए थे, जिसके रूम में थे, उसने सुबह कहा कि साहब आप आए, आपने बता नहीं, मैं आपको खाना लिया था रेलवे स्टेशन जाके, तो आपने क्या खाया? तो उन्होंने कहा मैंने खा लिया, तो सूखी रोटी उन्होंने पानी में भिगो के खाई उस फ्लैट के अंदर। और वो कहानी तो सब जानते हैं कि उनके पास में 5 पैसे नहीं थे कि उस साइकिल का पंच लगवा सकें, तो पड़ोसी से उन्होंने लिए। ये जो सारे काम हैं ये भिक्खुओं के काम हैं, ये उनके काम हैं जिन्होंने एक डिटरमाइन, एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमको करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। उसके परिणाम आते हैं, वो जो परिणाम आते हैं बड़े सुखद होते हैं और सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं और सारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी। मगर हर जो व्यक्ति होता है जो पूरा भिक्खू नहीं बनता, उसका पूरा काम नहीं होता। भिक्खू बनेगा तो पूरा काम होगा, क्योंकि भिक्खू के जो नियम है, भिक्खू के जो 227 और भिक्खुणी के 311 जो नियम है, वो बहुत शोध के बाद बुद्ध ने बनाए हैं, वो विनय पिटक में है। साहब काशीराम के हाथ में विनय पिटक नहीं पड़ा होगा, अगर विनय पिटक पड़ जाता, क्योंकि ये तो नेचुरल निकल के आए जो उनके, जो उन्होंने नियम बनाए, और नेचुरल नियम यही बनते हैं। अगर विनय पिटक उनके हाथ लग जाता या कोई उन्हें बता देता, क्योंकि उन्होंने धम के मामले को साइड में उठा के रखा और उन्होंने राजनीति को प्रमुखता दी। दरअसल पूरे भारत में और दुनिया में उनको एक राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं। धम की तो उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हुई, जबकि वो 6 करोड़ लोगों को धम में लाने के लिए उन्होंने कई बार घोषणा की, और वो घोषणा घोषणा ही रह गई। उनके जो बाद में अनुयायी थे वो अनुयायी भी सारे के सारे निकम में लगे, क्योंकि आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं विसरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि तदीयमपि संघं शरणं गच्छामि तदीयमपि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु।